यकीन है जो काम मोदी साहब ने किए हैं, जो मोदी साहब ने डेवलपमेंट की है, जो मोदी साहब ने गरीबों का भला किया है, जो आज जम्मू कश्मीर में अमन व अमान खुशहाली आई है, जिस तरीके से आज सब मिलके रह रहे हैं, अमन है। मुझे लगता है कि वादी कश्मीर के लोग भी और जम्मू के लोग भी अमन को, खुशहाली को, भाईचारे को और डेवलपमेंट को, और जो मोदी साहब ने गरीबों की खिदमत की है उसको वोट देंगे। और यकीनन यहाँ बीजेपी की ज़बरदस्त जीत होगी। जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के रिजल्ट्स रोक दिए गए, पूरा मीडिया को बैन कर दिया गया, इंटरनेट को बैन कर दिया गया, मुझे लगता है कि वहाँ के जम्हूरी निज़ाम को जो है वो उसके लिए ये ठीक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी अमन होगा और लोगों में, ये लोगों के पास, आवाम के पास ये हकूक है कि वो किसको अपना नुमाइंदा चुनते हैं। जबरन आवाम के फैसले को, लोगों के फैसले को ज़ोर ज़बरदस्ती हकूमत की ताकत की बिना पर आवाम के फैसले को पलट देना ये ठीक नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकल चुकी है और कोहराम, हाहाकार वहाँ मचा है। हम चाहते हैं कि दुनिया के हर कोने में अमन होना चाहिए, दुनिया के हर कोने में खुशहाली होनी चाहिए और दुनिया के हर कोने में जस्टिस